शुरुआत कैसे हुई ये मैं जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो हेलो दोस्तों, एक प्योर कंटेंट के फैन हो, स्टोरी विद फुल ऑफ लॉजिक ऐसी फिल्में ढूंढते रहते हो तो समझ जाओ आज तलाश पूरी हो गई। यहाँ दोस्तों हाल ही में रिलीज विरूपक्ष मूवी आप सभी के होश उड़ा देने वाली है, लेकिन एक वार्निंग, मूवी फुल ऑफ हॉरर है और इसके साथ जुड़ा है दिल दहला देने वाला शब्द काला जादू। तो आज बात करेंगे साउथ के इस कंटेंट में कितना दम है, कहानी कैसी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं मूवी को, क्या हॉरर मूवीज में वन ऑफ द बेस्ट मूवी कहा जा सकता है इसको, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी हॉरर मूवीज के डाई हार्ड फैन है तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, मूवी इजिली अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, इट मीन्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो अच्छे प्रिंट में मूवी देखिए और मजे लीजिए। कहानी एक छोटे से गाँव की, जहाँ अपना हीरो लंबे समय के बाद शहर से गाँव वापस लौटता है और फिर क्या, एक सुंदर नारी से उसे इश्क हो जाता है। इसी बीच कहानी में आता है ट्विस्ट और अब गांव में अजीबोगरीब हरकतें होनी शुरू हो जाती है। कोई ऐसी पावर जो धीरे धीरे गांव को खाए जा रही है अंदर ही अंदर, एक ऐसा काला जादू जो धीरे धीरे गांव के लोगों को खात्मा कर रहा है, लोगों की इतनी बुरी हालत करता है कि वो भूत से भी भयानक दिखने लगते हैं, लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं, डर का फुल माहौल क्रिएट हो जाता है पूरे गांव में। अलर्ट ये जारी किया जाता है कि ना कोई व्यक्ति बाहर से गांव के अंदर आएगा और ना ही कोई व्यक्ति गांव से बाहर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा गाँव अनसेफ है। यस, एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है जो फुल सेफ प्लेस है, जहाँ की चार दीवारी में ये काला जादू असर नहीं करता है। तो ये तो है बात प्रेजेंट की, अब चलते हैं पास्ट में। तो ये ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब जुड़ा है एक सन की तांत्रिक बाबा से, जो क्या करता था, छोटे छोटे बच्चियों की बलि चढ़ाया करता था। क्यों? क्योंकि उसे अपने तंत्र विद्याएं और भी ज्यादा पावरफुल बनानी थी। बाद में उसका क्या हुआ नोबडी नोज, लेकिन सबका मानना है कि उसकी आत्मा वापस आ गई है और गांव वालों से बदला ले रही है और एक एक करके सबकी बलि चढ़ाएगा वो। लेकिन ऐसा प्लान नहीं दिख रहा था इस शैतान का, वो तो सभी की बलि एक साथ चढ़ाने वाला होता है, फोटो में देख सकते हो। और मजे की बात तो यह है कि इन सबको मारने वाला इन्हीं लोगों के बीच में रहता है, इंसानी वेश में एक शैतान, और अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाया जा रहा है पूरे गांव को। तो भैया और भी ज्यादा ज्यादा जबरदस्त बातें हैं, सब यही नहीं बताऊंगा, थोड़ा तुम भी मेहनत करो, जाके मूवी जरूर देखो। लेकिन हाँ, मूवी में बहुत से ऐसे डरावने डरावने सीन्स हैं जो आपका बहुत नाजुक सामान फाड़ कर रख देंगे। जब भी आपको लगेगा कि अब थोड़ा कहानी नॉर्मल देखने को मिलेगी, तभी प्राण पखेरु उड़ा देने वाले खौफनाक सीन्स तुरंत दस्तक देंगे और आपकी नाजुक चीज फिर से फाड़ के रख देंगे। ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से किया गया है, ज्यादा से ज्यादा रियलिटी घुसेड़ने की कोशिश करी गई है, डर का माहौल पूरी एड़ी से चोटी तक का जो लगा के बनाने की कोशिश करी है पूरी फिल्म में। चलो एक डायलॉग से रूबरू कराता हूँ, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। तो इस जबरदस्त मूवी के डायरेक्टर एंड राइटर सुकुमार, ये बंदा वाकई में लाजवाब है यार। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ हिम विद दिस मूवी, बताता हूँ। ही इज द राइटर ऑफ दिस अमेजिंग मूवी। तो भैया पुष्पा सबने देखी है तो अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंटेंट में भी कितना दम होगा। मेरी नजर में मूवी अमेजिंग है, कंटेंट बाप है इस फिल्म का, स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले ऑसम है, जिस हिसाब की प्योरिटी डालने की कोशिश करी है पूरी फिल्म में एक नंबर है भाई साहब। बाकी पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, अमेजिंग, लोगों को बहुत पसंद आ रही है मूवी। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। एक सवाल आप लोगों से ये है, क्या ब्लैक मैजिक वाकई में एग्जिस्ट करता है, और करता है तो कितना? क्या वाकई में ऐसी घटनाएं हमारे देश में पाई जाती हैं, या सब मन का बहम है, या फिर ऐसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके हम इन सुनी सुनाई बातों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं? क्या क्या हैं आप लोगों के विचार, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। कितना सच है कितना गलत है ये आप लोग बताएंगे। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।